दिल्ली कैंट में दलित बच्ची के बलात्कार मामले में पीड़ित परिवार से मिले राहुल गांधी, राजधानी में कैंडल मार्च निकालेगी कांग्रेस। सरकार ने दी जानकारी, पिछले तीन सालों में जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर में हुई 400 घटनाएं, 630 आतंकी हुए थे। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम को सेमीफाइनल में मिली हार, अर्जेंटीना ने 2-1 से दी मात। पहलवान रवि दहिया ने कजाकिस्तान के पहलवान को हराकर फाइनल में किया प्रवेश, गोल्ड मेडल से अब एक कदम की दूरी। लखनऊ में साइकिल चलाएंगे अखिलेश यादव, पूरे यूपी के लिए सभा की खास तैयारी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। यूपी के चुनाव करीब आते ही राजनीतिक पार्टियों में दल बदल शुरू हो चुके हैं। इसी को लेकर लखनऊ के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में हजारों लोग शामिल हुए और पीस पार्टी के नेता अभिनव भार्गव ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि हजारों कार्यकर्ता आज शामिल हुए हैं, अब आने वाले चुनाव में कांग्रेस मजबूत होगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि 9 से 10 अगस्त को सभी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान चलाएगी, महंगाई को लेकर आंदोलन करेगी, लाठी मुकदमे के अलावा सरकार कुछ भी नहीं कर सकती और होर्डिंग बैनर के मुख्यमंत्री ही इस वक्त योगी आदित्यनाथ बनकर रह गए हैं। जिस पार्टी में वंशवाद हो वो दूसरों पर सवाल क्यों उठा रही है। कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, सीतापुर में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, ऐसा भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान के अंतर्गत पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महिला सुरक्षा और उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर मार्च करेगी, प्रदर्शन करेगी, आंदोलन करने का काम करेगी। आजमगढ़ में भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 महामारी को देखते हुए समाज के निर्धन व्यक्तियों को राहत पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया है और इसी के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अछांतित लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खाद्यान्न निःशुल्क वितरित कराया जा रहा है। उक्त योजना का लाभ प्रत्येक लाभार्थी को मिले, इसके दृष्टिगत इस योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए सघन अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी को लेकर 5 अगस्त को आयोजित होने वाले अन्य महोत्सव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिले के सभी राशन दुकानों के साथ ही जिला मुख्यालय पर जगह जगह होर्डिंग लगाई गई है। लेकिन आयोजित का अन्य उत्सव कार्यक्रम से पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय और कई स्थानों पर लगी होर्डिंग फट चुकी है। आपको बता दें कि फटी हुई होल्डिंग से किस तरह अन्य महोत्सव का प्रचार संभव है इसका अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। ऐसी हमारी जानकारी में कोई नहीं, हर दुकान पे बैनर लगे हैं, हर दुकान पे लगे हैं, जो लगे हुए बड़े बड़े तो फटे हुए पाए जाते हैं। ऐसी जानकारी तो क्या करेगी जिला प्रशासन, इसमें जो भी इसमें दोषी हो कार्रवाई कराएगी। तो हमारे यहाँ जितने भी कोटे की दुकानें, हर कोटे की दुकान पे बैनर लगे हैं, हर जगह लगे, किसी कोटे की दुकान पे कोई बैनर नहीं लगा। यूपी के जनपद बुलंदशहर में शहीदों के गांव की मिट्टी और जल लेकर किसानों का जत्था गाजीपुर के लिए रवाना हो गया है। वहीं किसानों के जत्थे में भारी तादाद में किसान और सैकड़ों बाइक और कार भी शामिल रही। किसानों ने कहा कि सरकार भूल में ना रहे, सरकार को कृषि कानून वापस लेने होंगे। इसके साथ ही किसानों ने काला चौराहे पर भी शहीद स्मारक पर माल्यार्पण किया, साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तो बुलंदशहर से ये खबर सामने आई जहां पर सैकड़ों किसानों का दिल्ली कूच देखने को मिला है। आपको बता दें कि किसान इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां सैकड़ों की तादाद में किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करने का फैसला कर लिया है। आपको बता दें कि किसानों की साफ तौर पर मांग है कि सरकार को तीनों कृषि बिल को वापस लेना होगा। जब तक सरकार ये तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक किसानों का इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।
इसका यही उद्देश्य है। जब तक ये तीन काले कानून वापस नहीं होते हैं और किसानों की MSP गारंटी नहीं मिलती है, तब तक हम दिल्ली पर डटे रहेंगे। और चौधरी राकेश टिकैत जी का यदि आह्वान होता है तो बुलंदशहर का बच्चा बच्चा लखनऊ को चारों तरफ से घेरेगा। और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते, जब तक बुलंदशहर का बच्चा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को लेकर इंटरनेट मीडिया पर अभद्र पोस्ट करने वाले रालोद कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। RLT के जिलाध्यक्ष कालीचरण एडवोकेट के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कोतवाली का घेराव किया। कोतवाली इगलास में अमर्यादित पोस्ट करने वाले आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर देते हुए गिरफ्तारी की मांग की गई। RLT के जिलाध्यक्ष ने बताया कि युवक ने फेसबुक पर पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से लोगों की भावनाएं इस वक्त आहत हुई हैं, जिसके बाद अलीगढ़ में युवक के अभद्र टिप्पणी के बाद कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही कहा गया है कि युवक की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में रहने वाले उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज फिर से चर्चा में है। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव को ठोकने की बात कह दी। दरअसल साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव के बयान पर जवाब देते हुए कहा, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव के लिए कहा कि योगी जी को ठोकना आता है, जिसको लेकर साक्षी महाराज ने कहा कि अगर योगी जी को ठोकना आता है तो अखिलेश को समझा दो कि बच कर रहें, कहीं उनका नंबर ना जाए, जिसके बाद से ये बयान इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ से अखिलेश यादव आए थे। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा योगी को तरफों का चलाना नहीं आता है, उन्हें तो ठोकना आता है। तो हमने पत्रकारों से कहा अखिलेश को समझा को ठोकना आता है, अखिलेश बच के रहे। तुम्हारा संपर्क आया तो ठोकना आता है, दुष्टों को ठोका नहीं जाएगा, आतंकियों को। यमुना और बेतवा नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर के मद्देनजर DM और SP ने संयुक्त रूप से मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। आपको बता दें कि हमीरपुर में DM ज्ञानेश्वर त्रिपाठी और SP कमलेश कुमार दीक्षित ने बड़े देव बाबा मंदिर स्थित पंप हाउस और बेतवा नदी के अलावा कल्प वृक्ष स्थित पंप हाउस पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बाढ़ से निपटने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को युद्ध स्तर पर तैयारी करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो हमीरपुर में इस वक्त बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर अब DM SP ने बाढ़ क्षेत्रों का जायजा लिया है। साथ ही सभी बाढ़ क्षेत्रों का दौरा करते हुए DM ने तत्काल कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि इस वक्त नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके बाद से युद्ध स्तर पर तैयारी करने के लिए इस वक्त आला अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। और यमुना में बढ़ते हुए जलस्तर को दृष्टिगत रखते हुए उन सभी तैयारियों को हम लोगों ने पूरा कर लिया है जो आगे आवश्यकता पड़ सकती है। क्षेत्र का भ्रमण कर लिया गया, ये सुनिश्चित कर लिया गया कि कस्बे में या आसपास के गांव में पानी अगर बढ़ता है तो हमको वहां क्या क्या व्यवस्था की जाएगी। ड्रेनेज के लिए दोनों तरफ चार चार पंप लगा दिए गए हैं। मुरादाबाद में सिटी मजिस्ट्रेट MP सिंह ने ASP अनिल कुमार यादव के साथ शराब की दुकान पर छापा मारकर छानबीन की और जांच की गई कि दुकानों पर बिकने वाली देशी और इंग्लिश शराब की आड़ में कहीं दुकानदार नकली शराब या फिर अधिक मूल्य में शराब तो नहीं बेच रहे। उसके साथ ही दुकानों में रखा शराब का स्टॉक और वहां मौजूद स्टॉक रजिस्टर को भी चेक किया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से मौतों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जनपदों के पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वह नियमित शराब के दुकानों की चेकिंग करते रहे। और इसी कड़ी में आज मुरादाबाद में भी इस तरह से कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर शराब के स्टॉक की छानबीन की गई है। आपको बता दें कि शराब की दुकान पर पहुंचकर अधिकारियों ने शराब के स्टॉक का पूरी तरह से छानबीन की, जिसमें मिलान किया गया कि शराब की दुकानों में मौजूद शराब में कहीं अवैध नकली शराब तो मिक्स नहीं की जा रही। बेसिकली एक रूटीन प्रोसेस ही है, जिसमें मजिस्ट्रेट और संबंधित थानाध्यक्ष और पुलिसकर्मी साथ में रहेंगे और एक्साइज की टीम के साथ मिलकर हम लोग दुकानों को चेक करते हैं। उसी क्रम में हम लोग आज यहाँ की दुकानें चेक कर रहे हैं और इस चीज़ की सुनिश्चितता तय की जा रही है कि किसी भी दुकान पर कोई भी अवैध शराब की बिक्री ना होने पाए और ना ही ओवर प्राइसिंग होने पाए।
आगरा के थाना पिडौरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव चंडीगढ़ साला बीहड़ किनारे जंगल में कूड़ा डालने गई महिला के ऊपर मिट्टी का विशाल टीला गिर गया, जिसके मलबे में महिला दब गई। वहीं महिला की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने तत्काल कड़ी मशक्कत के बाद 8 फीट मिट्टी को उठाकर महिला को बाहर निकाला। वहीं घायल अवस्था में परिजनों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लेकर जा रहे थे। वहीं उपचार के लिए ले जाते वक्त महिला की मौत हो गई। वहीं महिला की मौत के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो आगरा से यह दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पर एक महिला मिट्टी के टीले का शिकार हो गई। आपको बता दें कि महिला कूड़ा डालने के लिए जा रही थी, वहीं तत्काल महिला के ऊपर एक मिट्टी का विशाल टीला गिर गया, जिसके बाद महिला मलबे में दब गई। वहीं महिला की चीख पुकार सुनकर स्थानियों ने मदद के साथ महिला को बाहर निकाला, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। गाजीपुर जिले के करंदा थाना क्षेत्र के रामपुर माझा में बीते दिनों हुए वृद्ध हत्याकांड का पुलिस ने इस वक्त पर्दाफाश कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने हत्यारोपी बहू और उसकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी बहू ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर उसने अपनी बेटियों के साथ मिलकर ईंट से कूच कर ससुर की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर फिलहाल कानूनी कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया है। तो गाजीपुर में एक वृद्ध के हत्याकांड मामले में इस वक्त पर्दाफाश पुलिस ने किया है। आपको बता दें कि आरोपी बहू ने अपना जुल्म कबूल कर लिया है, जिसने साफ तौर पर कहा है कि जमीनी विवाद के चलते उसने अपनी बेटियों के साथ मिलकर अपने ससुर की हत्या कर दी। इन्वेस्टिगेशन करंडा पुलिस और एसपी सिटी और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में हो रहा था, हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे थे। तो ये ब्लाइंड मर्डर था और प्रारंभ से ही घर वालों पे ही सुई टिक रही थी और उसी बात का खुलासा जब पूछताछ की गई तो हुआ, ये मकान के में हिस्से को देने को लेकर के उनके घर के ही माँ और उनकी दो बेटियां। जौनपुर के चंदवक थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। वहीं इसके दो साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से पुलिस ने एक तमंचा, दो मोटरसाइकिल और एक कई सारे सामानों को बरामद किया है। आपको बता दें कि इनके ऊपर कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज थे, जिसके बाद पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जहां जौनपुर में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि पुलिस की मुठभेड़ में बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, वहीं एक बदमाश मुठभेड़ के बीच घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों पर कई आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज थे। पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा अपराधियों की धरपकड़ हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें चंद्रवा पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई है। कल मुठभेड़ में एक बदमाश जो कि पुलिस पर फायरिंग करता हुआ भाग रहा था, उसको घायल हो गया है और उसके साथ दो अन्य अपराधी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाशों से दो चोरी की मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा और कुछ खोखा का। जनपद आजमगढ़ में गंभीरपुर थाना क्षेत्र में देर शाम शादी में खाना बनाकर लौट रहे युवक की लूट के प्रयास में हत्या कर दी गई। दरअसल मृतक दिलशेर बाइक से फरीदगंज चौराहे से जा रहे थे, तभी हमलावर लूट के इरादे से उनके पास पहुंच गए, जिसका विरोध करने पर उन पर चाकुओं से हमला कर दिया गया। जब तक लोग मदद के लिए मौके पर पहुंचे, तब तक दिलशेर की मौके पर मौत हो चुकी थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आपको बता दें कि घायल को लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इस मामले में जांच कार्रवाई की जा रही है, जल्द ही घटना का अनावरण करने का पुलिस ने दावा किया है। ये अपनी मोटरसाइकिल से लौट रहा था तो अज्ञात लोगों ने इसकी चाकू मार के हत्या कर दी। इसकी भाई द्वारा जो तहरीर दी गई उस पर हत्या का आरोप पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा जो है इसको घटना के अनावरण की कार्रवाई। फतेहपुर जिले के खागा तहसील इलाके के पुरेन गांव पंचायत में भयंकर बारिश के चलते कई गांवों के कच्चे मिट्टी के घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। ग्रामीणों ने घरों के ढहने की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। जानकारी के अनुसार विकास खंड एराया के पुरेन ग्राम पंचायत में मुन्ना लाल बच्ची लाल दशरथ का घर बारिश के कारण गिर गया है, जिसके बाद अब इन्हें रहने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद जारी नहीं की गई है। तो इस वक्त आफत की बारिश फतेहपुर में देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि फतेहपुर में भारी बारिश के चलते कई लोगों के मिट्टी के मकान गिर चुके हैं, जिसके बाद से अब पीड़ित परिवार खुले में रहने को मजबूर है।
आपको बता दें कि विकासखंड एराया के पुरिन ग्राम पंचायत में इस वक्त मुन्ना लाल, बच्ची लाल और दशरथ का घर बारिश के कारण गिर चुका है, जिसके बाद से अब परिवार पर रहने का संकट खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि लगातार अधिकारियों से मांग की जा रही है कि इस ओर ध्यान दिया जाए, लेकिन अब तक प्रशासन का इस ओर कोई भी अच्छा रवैया देखने को नहीं मिला है। आपको बता दें कि लगातार प्रशासन से मदद की गुहार लगाई जा रही है। समस्या है कि घर है नहीं, बैठे कहानी, अब परसों की बारिश में घर गिर गया है। अच्छा, बारिश से गिर गया? हाँ, बारिश से गिर रहा है। अच्छा, ये घर किसका है आपका? ये मेरा है। अच्छा, कोई अधिकारी आए? कोई नहीं आए। कोई अधिकारी नहीं? कोई आए नहीं है। आपने सूचना दिया? हाँ, दिया है। हाँ, ये देखिए, ये तीसरा घर ऐसा मिला है जो पुराइन गांव में, जिनके पास कॉलोनी में 2018 लिस्ट में नाम था, फिर भी जगह नहीं है, दिया नहीं गया। मैनपुरी के कुरावली थाना इलाके के हवेलिया गांव में एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। महिला की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तत्काल पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं हत्या की जानकारी होते ही मौके पर सदर विधायक ने पहुंचकर शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। इस दौरान सपा विधायक राजकुमार यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। इसमें जंगल राज है, कानून पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार पूरी तरह कानून के मुद्दे पर फेल है। वैसे सरकार हर मुद्दे पर फेल है, लेकिन कानून के मुद्दे पर कोई सरकार का कंट्रोल नहीं है। किसी जनपद में आप ले लो, सब जगह सुनियोजित हत्याकांड हो रहे हैं, संगठित अपराध हो रहे हैं। और सवेरे आज PRP के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला की हत्या की गई है। तत्काल फोर्स रवाना हुई है और सर्किल ऑफिसर, संबंधित SHO और टीम। मैनपुरी जिले के कोतवाली इलाके के बख्ती जगरूपुर में दबंगों द्वारा जमीन कब्जाने का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित का आरोप है कि उसकी पैतृक जमीन पर गांव के दबंगों ने कब्जा कर लिया। कई बार कहने के बाद भी दबंग जमीन खाली करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा पीड़ित का कहना है कि उन्होंने करीब 10 दिन पहले पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की है। यूपी के शाहजहांपुर में पीतल को सोना बताकर ठगी करने वाले गिरोह के 3 शातिर ठगों को खुटार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए ठगों के पास से इको कार सहित सोने के नकली और असली आभूषण के साथ तमंचे को भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से पूछताछ करने में जुटी हुई है, जिसके बाद पूछताछ के बाद पुलिस कानूनी कार्यवाही करते हुए आरोपियों को जेल भेजेगी। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे मोबाइल फोन, तमंचा आदि बरामद हुए हैं और भारी मात्रा में इनसे असली और नकली पीली धातु के सिक्के बरामद किए गए हैं। इन्होंने पूछताछ में इनसे बताया कि इन्होंने गांव नवदिया के एक व्यक्ति को यही सोने के सिक्के दिखाकर ठगा था। उसे करीब 1,75,000 रुपये की ठगी की थी। उसी में से इनसे 36,000 रुपये बरामद भी किए गए हैं। इस पूरे गैंग से पूछताछ की जा रही है, उन्होंने और कहाँ कहाँ इस प्रकार की घटनाएँ की हैं। सुल्तानपुर में सोशल मीडिया के जरिए अवैध असलहों की तस्करी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उनके पास से 3 अवैध तमंचे, 1 जिंदा कारतूस और 1 खोखा भी बरामद किया गया है। वहीं पुलिस अब इस गिरोह के फरार चल रहे 3 सदस्यों की तलाश कर रही है और लगातार छापेमारी की जा रही है। दरअसल बीते कुछ दिनों से सुल्तानपुर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए अवैध असलहों की तस्करी लगातार जारी थी। पुलिस इस मामले में पड़ताल कर रही थी। वहीं मुखबिर के जरिए पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद लंबुआ पुलिस ने जैतपुर भिटार गांव में एक अर्धनिर्मित गांव में छापेमारी की है। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस ने वहां से वीरू सरोज, मोहम्मद आरिफ और जय सिंह नाम के युवकों को गिरफ्तार कर लिया। 3 अंतर जनपदीय असलहा तस्करों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 3 अवैध असलहे बरामद किए गए हैं। ये लोग मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से फोटो भेजकर लोगों को असलहा उपलब्ध कराते थे। इसमें जो लोग और 3 लोग संलिप्त थे वो फरार हो गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए थाना स्थानीय से प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही उनको गिरफ्तार करके
इसमें जो लोग सम्मिलित हैं और जो असलहे इनों के द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। वहीं लखनऊ में सेंट एंथोनी पब्लिक कॉलेज के छात्रों ने भी परीक्षा में अपना परचम लहराया है। आपको बता दें कि छात्रों का कहना है कि कॉलेज के सभी स्टाफ का उन्हें भरपूर सपोर्ट मिला है। वहीं कॉलेज के अध्यक्ष राकेश सक्सेना ने बताया कि बच्चों के प्रतिभा को निखारने में कॉलेज और पूरे स्टाफ का सहयोग उन्हें लगातार मिला है। साथ ही राकेश ने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। इस मौके पर कॉलेज की प्राचार्य लक्ष्मी सक्सेना भी वहां पर मौजूद रहीं। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।